नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इन कंटिन्यूएशन टू माय लास्ट ब्लॉग, चलिए आज चलते चलते थोड़ा सा मैं आपको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाती हूँ। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलोर में और ये है टर्मिनस 2। के लिए चलते चलते बहुत सारी बातें याद आ रही थी लास्ट ट्रिप की, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स उठाई। तो ये वाला एरिया देखिए इतना प्यारा बना हुआ है। आप लोग अगर टर्मिनस 2 कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आए हो तो ज़रूर इस तरफ नज़र घुमाना, बहुत ही प्यारा है। एकदम सुंदर सा इकोसिस्टम बना रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे कि सिंगापुर एयरपोर्ट में है। और ये वाला एनिमेशन कैसे मिस कर सकते हैं, ये ऐसा लगता है कि आप ही की तरफ देख रहा हो, इतना प्यारा लगता है। लास्ट टाइम भी मैं इसे देख ही रही थी, इस बार भी अकेले, लास्ट टाइम तो अवनी के साथ थी, तो अकेले अकेले चलते चलते बस ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, तो सोचा अपलोड कर देती हूँ इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट व्लॉग। तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ था, तो देखिए यहाँ पे एक्वेरियम दिख रहा था। बड़ी अच्छी तरीके से तो नहीं उठा पाई, लेकिन देखा मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत देर तक, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि मतलब चलते चलते हालत ख़राब हो गई। मेरा कोई लगेज नहीं था, बस कैबिन लगेज ही था, तो उसी को मैं कैरी कर ही रही, फिर मुझे बेल्ट की तरफ जाना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, काफ़ी ढूंढना पड़ा कि किस तरफ से निकलना है। चलते चलते थोड़ी सी भूख लग गई, तो मैं फिर उधर फूड कोर्ट थोड़ा सा ढूंढने लगी एयरपोर्ट में ही। तो फिर तो ये है लगेज वाला बेल्ट। तो पहले जब आई थी तब ये ग्लास नहीं डाला हुआ था, तो अलग था थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हर एक बेल्ट का मतलब डिवीज़न किया हुआ है ग्लास वॉल से, तो फिर थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि मुझे किस तरफ से निकलना है। और शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी होने जा रहा था, तो धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार मुझे गेट मिल ही गया। और ये वाला गेट देखकर याद आया कि लास्ट टाइम अवनी इधर से निकली थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बाहर भाई खड़ा हुआ था। चलते चलते लास्ट में फूड कोर्ट मिल ही गया। और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सुंदर है बाहर का एरिया भी। तो चलते चलते फूड कोर्ट मिल गया, यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शंस था, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा हट ही मिला जहाँ पे कोई लाइंस नहीं थी, तो मैं वहीं चली गई और उसके बाद भाई के घर चली गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।